हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूँ रमोना अनिल एंड वेलकम टू रमोनास ब्यूटी वर्ल्ड। आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन एंड स्पेशली फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है, क्योंकि मेरी स्किन जो है कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो गई है, सुपर ऑयली आप कह सकते हैं। बहुत ही बुरा हाल है, बड़े बड़े पोर्स हो चुके हैं, पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, टैनिंग भी काफ़ी बढ़ गई है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस, आप सब सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप व्यूज़ तो काफ़ी आ रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। एंड बगल पे छोटा सा बेल आइकन होगा, आप उसे भी हिट कर दीजिए। एंड आप सब मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं सारे पेज के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर करना है फेस वॉश। मैंने फेस वॉश पहन लिया है, मैंने नहा के आया अभी अभी। ये है बायोडर्मा का सीबम मोशन जेल फेस वॉश है। ये एक फ्रांस का ब्रांड है और मैंने इसे पहली बार यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ओके है, ये अच्छी तरह तो ऑयल कंट्रोल कर ही रहा है, ठीक ठाक है। आप चाहो तो इसे यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जिस फेस वॉश का यूज़ करते हो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एक फेस मिस्ट, ये है प्लम का फेस मिस्ट और ये स्पेशली फॉर ऑयली स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है। आप चाहो तो रोज़ वाटर भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, या फिर आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है, रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा आपको, पर्पल पे, नायका पे, किसी भी साइट पे मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा फेस मिस्ट है, आप इसे मेकअप के दौरान भी यूज़ कर सकते हैं, बीच बीच में बहुत अच्छा हाइड्रेशन भी देता है और आपको ऑयली भी फील बिल्कुल नहीं करेगा आपका स्किन को, बहुत अच्छे से यह ऑयल कंट्रोल करता है। मेरा फेवरेट है ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मैं काफ़ी दिनों से अभी से यूज़ कर रही हूँ, मेकअप के दौरान मैं यूज़ करती हूँ, अब तो मैं इसे डेली यूज़ करने लगी हूँ। आप चाहे तो कोई टोनर भी यूज़ कर सकते हैं, गुड वाइब्स के भी काफ़ी अच्छे अच्छे वेराइटीज आते हैं टोनर ऑयली स्किन के लिए, आप वो भी ले सकते हैं। आप विटामिन सी का टोनर भी यूज़ कर सकते हैं गुड वाइब्स का, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी है मेरे पास में, मैं उसे भी कभी कभी यूज़ करती हूँ। ठीक है, टोनर लगाने के बाद में या फेस मिस्ट जो भी आप लगा रहे हैं उसको लगाने के बाद में कम से कम 2 मिनट रुक जाइए, आपको टोनर को अच्छे से पेनिट्रेट करना है स्किन पे, अच्छे से उसको डैब करिए, पैट करिए स्किन पे और अच्छे से पेनिट्रेट कराइए, अच्छे से अब्जॉर्ब कराइए, कम से कम 2 मिनट रुकिए आप। टोनर के बाद में बारी आती है सीरम की, आपको एक वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड सीरम का यूज़ करना है अगर आपकी ऑयली स्किन है। ड्राई स्किन है तो आप एक ऑयल बेस्ड लीजिएगा, ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड या फिर वाटर बेस्ड। मैंने प्लम का इल्यूमिनेंस ब्राइट मिक्स सीरम लिया है, ये अराउंड 800 समथिंग कुछ लिया था, मुझे बिल्कुल ठीक से याद नहीं है अभी, मैंने पर्पल से लिया था, ये परचेज किया था और काफ़ी अच्छा मुझे लगता है ये, लगाने के बाद में बिल्कुल भी स्किन को ग्रीसी या ऑयली नहीं करता है, अच्छे से हाइड्रेट करता है फेस को और बहुत ही क्विक अब्जॉर्ब होता है, एकदम लगाते ही स्प्रेड हो करते ही अब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत ही अच्छा फील होता है फेस पे। आप चाहो तो ये ले सकते हो या फिर और कोई सीरम अगर आप लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर कोई मतलब ऑप्शंस आपको चाहिए तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। हर एक प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद आपको 2 मिनट वेट करना है, उसके बाद ही दूसरे प्रोडक्ट को लगाइए। ठीक है, सीरम लगाने के बाद में अब हमें मॉइस्चराइजर लगाना है। सीरम को लॉक करने के लिए हमेशा मॉइस्चराइजर आप लगाइए, मॉइस्चराइजर को स्किप नहीं करना है। ऑयली स्किन है तो ऐसा मत सोचिए कि हमें मॉइस्चराइजर की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो इतनी ऑयल आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एक मॉइस्चराइजर को, हर एक स्किन टाइप को मॉइस्चराइजर की ज़रूरत होती है। मैं यहाँ पे लिया है, मैंने लिया है सिंपल का स्किन प्रोटेक्टिंग मॉइस्चराइजर, ये एक मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, ये एक सेंसिटिव स्किन के लिए ये मॉइस्चराइजर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इस पर SPF भी मिलता है आपको, SPF 15 है इसमें और ये ना तो ऑयली है ना ही ड्राई है, मैट भी नहीं है, ऑयली भी नहीं है, बहुत ही अच्छा एक माइल्ड इसका ये है मॉइस्चराइजर है, बहुत ही सूदिंग वाला स्मेल है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं इसे बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी 6 या 7 मंथ्स हो चुके हैं इसे यूज़ करते हुए मुझे और बहुत ज़्यादा पसंद है। आप चाहो तो मैं अगर ऑप्शन दूंगी तो आप पॉन्ड्स का जेल मॉइस्चराइजर ले सकते हो, वो अफोर्डेबल भी है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करता है ऑयली स्किन के लिए।
आप चाहो तो न्यूट्रीजिना का ले सकते हो, ऑयली स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन के लिए न्यूट्रीजिना का भी एक मॉइस्चराइजर आता है, वो भी मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज चेक किया कीजिए, मैं ऑप्शंस भी आपको दे रही हूँ, या फिर मैं पिक्चर लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा, मैं पिक्चर भी लगा दूंगी जिनमें जो मैं ऑप्शंस में दे रही हूँ वो आप देखते जाइए, पिक्चर लगाते जा रही हूँ, कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मॉइस्चराइजर को भी अच्छे से आपको पेनिट्रेट कराना है अपने स्किन में, मॉइस्चराइजर को हमेशा पैट करते हुए आपको स्किन में डैब डैब करके अच्छे से पेनिट्रेट कराना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सनस्क्रीन। सनब्लॉक एक ऐसा स्टेप है जो एकदम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब कह सकते हो आपका स्किन कलर क्या है, स्किन का कंप्लीशन क्या है, स्किन टाइप क्या है, इससे कोई मतलब नहीं बनता, आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। आप घर से बाहर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, मतलब सनस्क्रीन आपको लगाना ही लगाना, एकदम मैंडेटोरी है, कंपल्सरी। मैंने लिया है न्यूट्रीजिना का सनब्लॉक, इस पे SPF 50 प्लस है एंड PA इसका ट्रिपल प्लस है। सनस्क्रीन के बारे में मैं एक बात बताना चाहती हूँ, आप जब भी सनस्क्रीन अपने लिए खरीद रहे हैं तो उसका SPF चेक करें एंड PA रेटिंग भी चेक करें। PA इसका ट्रिपल प्लस होना चाहिए एंड SPF कम से कम 50 प्लस होना चाहिए। आप ये ले सकते हो न्यूट्रीजिना का ये वाला सनस्क्रीन जो है आप ले सकते हो, या फिर आप डॉट एंड की का नाइसिनामाइड वाला एक आता है वो ले सकते हैं, ये थोड़ा क्वाइट एक्सपेंसिव है, 600 या 700 लेता है कुछ ऐसा कुछ है इसका प्राइस, और थोड़ा सा इसका जो है लगाने के बाद में थोड़ा सा वाइट कास्ट छोड़ता है, मे बी आपको पसंद ना आए, पर 2 से 3 मिनट बाद में ये सेटल डाउन हो जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप डॉट एंड की वाला ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। एंड आपको सीरम के लिए भी मैं एक टिप देना चाहती हूँ, आपको अगर ऑयली स्किन है तो आप अपने स्किन केयर पे नियासिनामाइड को इंक्लूड कीजिए, इट विल वर्क सो गुड। मतलब नियासिनामाइड जो होता है वो पिगमेंटेशन को कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, आप नियासिनामाइड यूज़ किया कीजिए। द ऑर्डिनरी का नियासिनामाइड आता है एंड प्लम का भी आता है, बहुत सारे ब्रांड्स में आते हैं नियासिनामाइड, और रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा आपको, 400, 500, 600, 700 इस तरीके के प्राइस में आपको बहुत सारे ब्रांड में नियासिनामाइड सीरम आपको मिल जाएगा, एंड उसको इंक्लूड कीजिए, बहुत अच्छा वर्क करेगा आपके स्किन के लिए। मैंने सनस्क्रीन अच्छे से लगा लिया है, काफ़ी अच्छा क्वांटिटी में आपको लगाना है, ठीक है, ऐसे कंजूस की तरह थोड़ा थोड़ा नहीं लगाना है, फेस पे लगाना है, नेक पे लगाना है एंड आपको अपने हाथ पे भी लगाना है, जितने भी सन एक्सपोजर होते हैं ना, मतलब जितने भी खुले वाले जगह है सब जगह पे लगाना है। सनस्क्रीन लगा लिया है मैंने, आप अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज किया कीजिए गाइस, मैंने लिप बाम लगा लिया था बोरुलिन का, आप जो लगाते हो वो लगा लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा टचअप कर लिया है, कॉम्पैक्ट पाउडर एंड थोड़ा सा लिपस्टिक, मैं अब रेडियो चिक घर से मुझे कहीं जाना तो नहीं है, बस थोड़ा सा टचअप कर लिया है, बाहर जाना है तो इसके बाद ही आप अपना मेकअप कर लीजिएगा। स्किन प्रेप्टिंग बहुत ज़रूरी है, स्किन का अच्छे से ख्याल रखे, फिर से मिलने आऊँगी मैं एक नए वीडियो के साथ में, एक नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखे, खुश रहे, स्वस्थ रहें, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।